बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जाहिद। टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस आर क्लासिफाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन फॉलोइंग बेसिस। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉजल एजेंट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, on the basis of mode of infection, on the basis of symptoms, on the basis of host affected, and last one is on the basis of affected parts of host. In छह basis के लिहाज से मुख्तलिफ साइंसदानों ने plant diseases को मुख्तलिफ classify किया है। आज हम इनको one by one discuss करते हैं। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉजल एजेंट। कॉजल एजेंट की नेचर के बेस पे प्लांट डिजीज की क्लासिफिकेशन क्या है, तो इस लिहाज से जो कॉजल एजेंट है वो दो तरह के होते हैं। और नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉजल एजेंट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंफेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट इफेक्टेड, एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ होस्ट। छह बेसिस के लिहाज से मुख्तलिफ साइंसदानों ने प्लांट डिजीज को मुख्तलिफ क्लासीफाई किया है। आज हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉजल एजेंट। कॉजल एजेंट की नेचर के लिहाज से प्लांट डिजीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज पैरासाइटिक डिजीज एंड अदर इज नॉन पैरासाइटिक या एबायोटिक डिजीजेस। तो अब हम देखते हैं कि पैरासाइटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं। पैरासाइटिक डिजीजेस में आता है फंजाई। वो डिजीजेस जो फंजाई की वजह से हों उनको फंगल डिजीजेस कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, स्लाइम मोल्ड से जो डिजीज होती हैं, वायरसेस से जो डिजीज होती हैं, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स हैं जो डिजीज काज करते हैं, कुछ एलजी हैं जैसे सिफालियोरस है, ये भी डिजीज काज करता है, कुछ इंसेक्ट डिजीज काज करते हैं, माइट्स भी इसमें शामिल हैं और नेमाटोड्स। ये जो सारे जानदार हैं इनकी वजह से जो डिजीज काज होगी उनको पैरासाइटिक डिजीज कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी डिजीज हैं जो एबायोटिक हैं या जो नॉन पैरासाइटिक हैं। नंबर वन इज सॉइल मॉइस्चर डिसबैलेंस, कि अगर पानी की कमी या बेशी हो जाए, पानी ज्यादा लग जाए या पानी कम लग जाए, पानी की कमी हो जाए तो वो भी डिजीज काज करता है, जैसा कि विल्टिंग हो जाना, पौधे का मुरझा जाना वगैरह वगैरह। नंबर टू इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, कि किसी भी न्यूट्रिएंट का कम होना या किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस होना भी डिजीज काज करता है। यहां पे एक एग्जांपल है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। नंबर थ्री इज ऑप्टिमल टेम्परेचर डिसबैलेंस, कि टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ जाना या टेम्परेचर का बहुत लो हो जाना ये भी एक डिजीज काज करता है। नंबर फोर इज लाइट इंटेंसिटी डिसबैलेंस, कि लाइट की कमी या लाइट की ज्यादती। लाइट की ज्यादती कोई खास मसला नहीं होता, लेकिन अगर लाइट की कमी हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए तो पौधों में डिजीज काज होना शुरू हो जाती है। नंबर फाइव इज गैस, स्मोक या अदर एयर पोल्यूटेंट्स,
जो हवा में स्मोक है, धुआं है, या एयर पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, तो इनकी वजह से भी पौधों में डिजीज काज होती है। नेक्स्ट इज केयरलेस स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स। अगर हम गलत तरीके से स्प्रे करते हैं कि स्प्रे का ज्यादा चला जाना पौधों के ऊपर, तो इस तरह भी पौधों में डिजीज काज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, कि अकरेंस की बेस पे प्लांट डिजीज की कितनी क्लासिफिकेशन है। नंबर वन इज एंडेमिक डिजीज, द डिजीज विच इज प्रेजेंट इन मोर और लेस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर इन द सेम एरिया और क्रॉप फील्ड। वो डिजीज जो एक सेम एरिया पे या एक सेम क्रॉप फील्ड पे कई सालों तक कॉन्स्टेंटली मौजूद रहे, उसको कहते हैं एंडेमिक डिजीज। मीन ऐसे डिजीज जो किसी एक खास एरिया पे या किसी खास फील्ड पे कई सालों से वो मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे एंडेमिक डिजीज। उस डिजीज की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया में कई सालों से मौजूद हो, उस डिजीज को एंडेमिक डिजीज कहते हैं। इन दिस केस द पैथोजन इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द सॉइल और अदर मीडियम एंड सर्वाइव्स देयर फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो इस केस में जो पैथोजन है वो सॉइल में या किसी और मीडियम में अपने आप को मजबूती से एस्टेब्लिश कर लेता है और वो कई सीजन तक वो वहां मौजूद रहता है। यहां पे एग्जांपल है रस्ट की। रस्ट जब आती है तो वो कई सालों तक उस एरिया में, उस फील्ड में मौजूद रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। तो ये है एपिडेमिक डिजीज। ये डिजीज क्या होती है? द डिजीज इज विच शो वाइड स्प्रेड अकरेंस इन एन एरिया बट अकर पीरियडिकली। वो डिजीजेज हैं इनकी जो अकरेंस है ये वाइड स्प्रेड होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये मुख्त वक्फे वक्फे से आती हैं, ये पीरियडिकली आती हैं, ये हर वक्त मौजूद नहीं होती, लेकिन जब ये आती हैं तो काफी बड़े एरिए पे ये फैलती हैं। इन डिजीजेस को एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। दीज डिजीजेस डिपेंड्स लार्जली ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये जो डिजीजेस हैं, ये जो एपिडेमिक डिजीज हैं, ये बड़ी हद तक इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंसिडेंट्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फिटोप्थेरा इन्फेस्टेंट से होता है, उसको एपिडेमिक डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्पोरैडिक डिजीज। ये क्या होती है? व्हेन डिजीजेस अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशंस एंड इन रिलेटिवली फ्यू इंटरवल्स, दीज आर टर्म्ड एज स्पोरैडिक डिजीज। जब कोई डिजीज इरेगुलर इंटरवल में या इरेगुलर लोकेशंस में अकर होगी और उस कभी कभी आएगी, हर वक्त नहीं होगी, कभी कभी वो आ सकती है, तो उसको कहेंगे स्पोरैडिक डिजीज। वो डिजीज जो कभी कभी मुख्तलिफ वक्फों से मुख्तलिफ जगहों पे अकर होगी और बहुत कम होगी, तो उसको कहेंगे स्पोरैडिक डिजीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंफेक्शन, कि इंफेक्शन के मोड की बेस पे प्लांट डिजीज को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन इज सॉइल बोर्न डिजीज। देयर आर सेवरल प्लांट पैथोजेंस हूज इंफेक्शन एजेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल
एंड प्राइमरी इंफेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू साइन। तो काफी सारे पैथोजन ऐसे हैं जिनका इंफेक्शन एजेंट जो है वो साइल के अंदर होता है, और जो प्राइमरी इंफेक्शन वो हमला करते हैं, जो पहला हमला होता है वो साइल से होता है। दे ऑल अटैक रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट्स, और ये जो पैथोजन हैं ये हमेशा प्लांट होस्ट की रूट्स पे हमला करते हैं, इनको कहते हैं साइल बोर डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल फेटोफ्थरा, फ्यूजेरियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सीड बोर्न डिजीजेस। सम पैथोजेंस सर्वाइव एज डॉर्मेंट माइसीलियम इन द सीड्स और अदर प्रोपेगेशन मटेरियल ऑफ होस्ट प्लांट्स। कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो होस्ट प्लांट के सीड के अंदर या होस्ट प्लांट के कुछ अदर प्रोपेगेशन मटेरियल के अंदर डॉर्मेंट माइसीलियम की सूरत में सर्वाइव करते हैं, उनको कहते हैं सीड बोर्न डिजीजेस। इस एग्जांपल है समर डिजीज ऑफ वीट। नेक्स्ट इज एयर बोर्न डिजीजेस। द डिजीजेस इन विच पैथोजेंस इन्फेक्ट होस्ट प्लांट थ्रू एयर एंड ब्रिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो वो डिजीजेस जिनमें पैथोजेंस किसी भी होस्ट प्लांट को एयर से अटैक करे, एयर से इन्फेक्ट करे, और प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों एयर से हो, उनको एयर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। द स्पोर्स ऑफ सच पैथोजेंस आर डिसमिनेटेड बाय विंड एंड इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट। तो इन पैथोजेंस के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा के जरिए फैलते हैं और होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पक्सीनिया, रेजोपस, कुलेटो ट्राइकम। सम पैथोजेंस आर साइल बोर्न एज वेल एज एयर बोर्न, जैसा कि फेटोफ्थरा। तो कुछ ऐसे भी हैं पैथोजेंस जैसे कि फेटोफ्थरा है। फेटोफ्थरा वो पैथोजन है जो साइल बोर्न भी है और एयर से भी ये हमला करता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट इफेक्टेड। जो इफेक्टेड होस्ट है उसकी बेसिस पे प्लांट डिजीजेस की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट इफेक्टेड इज सिंपली ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। देयर इज नो फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें कोई खास फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं इन्वॉल्व। ये जो जिस तरह का होस्ट होगा उसी तरह की डिजीज होगी। जैसा कि सम ऑफ दीज डिजीजेस आर वेजिटेबल डिजीज, फ्रूट डिजीज, सीरियल डिजीज, टिम्बर डिजीज, डिजीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डिजीज ऑफ शेड ट्रीज वगैरह वगैरह। तो जिस क्रॉप पे, जिस होस्ट पे बीमारी होगी, बीमारी हमला करेगी, उसको उसी नाम से हम पुकारेंगे। अगर सब्जियों पे कोई डिजीज होती है तो हम कहेंगे वेजिटेबल डिजीज है। अगर फ्रूट ट्रीज पे कोई डिजीज अटैक करती है तो हम उनको कहेंगे फ्रूट डिजीज है। अगर सीरियल पे, गंदम पे या जो और जवी वगैरह हैं उन पे कुछ पैथोजन हमला करते हैं तो हम कहेंगे कि सीरियल डिजीज है। इसी तरह टिम्बर डिजीज हो गई, कुछ फूलों जो फ्लावर्स होते हैं उनकी डिजीज को ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीज कहते हैं, और अगर जो ट्रीज हैं शेड ट्रीज उनको शेड ट्री डिजीज भी कहते हैं। तो इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, ये सिंपल है समझने के लिए। जैसा इस क्रॉप पे बीमारी हमला करेगी हम उसको उसी क्रॉप के लिहाज से हम कहेंगे ये उसी क्रॉप के लिहाज से ये डिजीज है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम्स। कि सिम्पटम के लिहाज से प्लांट की कितनी डिजीजेस हैं। नंबर वन इज नेक्रोटिक डिजीज। द डिजीजेस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ इफेक्टेड टिश्यू। वो डिजीजेस जिसमें इफेक्टेड टिश्यूज की डेथ हो जाए उसको नेक्रोटिक डिजीज कहेंगे। नेक्रोटिक डिजीज क्या होती है कि अगर प्लांट टिश्यू जिस पे हमला हुआ है, जिस पे अटैक हुआ है, वो अगर डेड हो जाए तो उसको कहेंगे नेक्रोटिक डिजीज। नेक्स्ट इज एट्रोफिक डिजीज। ये क्या होती है? द
diseases resulting in the slowing down or stunting of growth of plants or plant parts. तो अगर पूरे प्लांट या कुछ प्लांट के पार्ट की ग्रोथ स्टंट हो जाए, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, तो उस नतीजे में इस डिजीज को कहेंगे एट्रोफिक डिजीज। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफिक डिजीज। ये क्या होती है? डिजीजेस रिजल्टिंग इन द ओवरग्रोथ और ओवर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स और ऑर्गन्स इफेक्टेड। तो हाइपरट्रॉफिक डिजीजेस में प्लांट्स या ऑर्गन्स जो इफेक्ट होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है या वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो इस सूरत में इस डिजीज को कहेंगे हाइपरट्रॉफिक डिजीज। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ होस्ट। कि होस्ट के पार्ट्स जो इफेक्ट होते हैं उनकी बेस पे प्लांट डिजीज की कितनी टाइप्स हैं, कितनी क्लासेस हैं। फॉलेज डिजीज, किसी भी प्लांट के अगर लीफ पे हमला हो जाए, लीफ पे अटैक हो, लीफ पे बीमारी आ जाए, तो हम कहेंगे इट इज फॉलेज डिजीज। स्टेम डिजीज, अगर किसी भी प्लांट के स्टेम पे डिजीज आ जाए, स्टेम पे अटैक हो जाए, तो हम कहेंगे दिस इज स्टेम डिजीज, जिस तरह स्टेम रस्ट है। बूट डिजीज, गंदों में एक स्टेज होती है बूटिंग स्टेज, इसको गोप कहते हैं, गोप की हालत। तो अगर उस स्टेज पे, उस बूटिंग पे डिजीज शुरू हो जाए तो उसको कहेंगे बूट डिजीज। वेस्कुलर डिजीज, अगर किसी वेस्कुलर पार्ट्स पे हमला हो जाए, अटैक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे ये वेस्कुलर डिजीज है। सच ए क्लासिफिकेशन नाइदर डज क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ कॉजल एजेंसी नॉर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट टिश्यूज एंड डज नॉट हैव मच प्रैक्टिकल वैल्यू। इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है इसमें नेचर ऑफ कॉजल एजेंट भी इंडिकेट नहीं होता क्लियरली कि किस वजह से बीमारी हुई है, और ना ये पता चलता है कि होस्ट टिश्यू को कितना इफेक्ट हुआ है, और इस क्लासिफिकेशन की कोई खास प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।